हेलो दोस्तों, आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। मैं हूँ राम। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली तौर पर लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। सो दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि भाई मैंने लैपटॉप में ऐप डाउनलोड कर ली है लेकिन ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है, क्या करें। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंप्यूटर हो या लैपटॉप, ऐप डाउनलोड हो जा रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जा रहा है लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में दिक्कत है, नॉट इंस्टॉल बता रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए प्रॉपर तरीका सीखने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्यों जो है ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये जो है ना टाइप हियर टू सर्च हियर में सेटिंग को सर्च कर लेना है। जिसके पास विंडोज 10 लैपटॉप है वे लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो साइंड फाइंड है सेटिंग मिलेगी, इस पर आपको आकर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है AWPS एप्स। आप यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे एप्स, ठीक है, ऐप एप्स जो भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएगा, जैसे कि ऐड और रिमूव प्रोग्राम, डिफ़ॉल्ट ऐप, एप्स एंड फीचर। आपको यहाँ पर एप्स एंड फीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सिंपली क्लिक करेंगे जैसे तो आपके सामने एक कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास विंडो 11 है तो विंडो 11 में भी कुछ इस तरीके से ही पेज आएगा। तो जिसके पास विंडो 7 है वो लोग जाकर सेटिंग में सर्च कर लें ऐप्स। ओके, तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एप्स एंड फीचर, चूज वेयर टू गेट ऐप। अब मैं आपको बता दूँ कि ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कहाँ से आप लोग ऐप को चाहते हैं डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंस्टॉलिंग ऐप्स ओनली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हेल्प प्रोटेक्ट योर डिवाइस, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर में होता है हमारे मोबाइल डिवाइस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले से सेलेक्ट है एनीवेयर, मेरे लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में हो सकता है कि ये कुछ और सेटिंग हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड करता हूँ और मैं फिर उसको इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाय डिफॉल्ट जो लैपटॉप में ये सेटिंग होती है वो होती है द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओनली रिकमेंडेड सेटिंग है। ठीक है, इस अगर मान लीजिए कि मैंने ये सेटिंग कर दी द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओनली रिकमेंडेड, तो होगा क्या कि जब मैं किसी वेबसाइट से अदर सोर्स से मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बिना कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में लेकिन इंस्टॉल करता हूँ तो वहाँ पर हमारा लैपटॉप में जो उस ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी कि हमारे लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो करना क्या, आपको यहाँ पर सेम आ जाना है सेटिंग में, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कर देना है एनीवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एनीवेयर में भी कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि एनीवेयर बट लेट मी नो इफ देयर ए कंपेरेबल ऐप इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। मतलब क्या है कि अगर एनीवेयर में करते हैं ताकि वो जो ऐप है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी कंपेरेबल ऐप के तौर पे हो या फिर उससे मिलता जुलता कुछ ऐप हो तो उसको हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि एनीवेयर बट वार्न मी बिफोर इंस्टॉलिंग एन ऐप डेट नॉट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ये कर लेना है या फिर ये पहला, आप अगर आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी ऐप को डाउनलोड करें लैपटॉप में और तुरंत इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और इंस्टॉल हो जाए तो आपको एनीवेयर कर लेना है। और यहाँ पर वैसे जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, ये रिकमेंडेड है तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं करूँगा रिकमेंडेड, जो रिकमेंडेड है वही करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप चाहें तो यूज कर सकते हैं एनीवेयर। तो एनीवेयर अगर आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपके लैपटॉप में जब ऐप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।